Hi friends, today we are going to start with fourth video of chapter 1 of India People and Economy. Today we are going to start linguistic composition topic. इसे पहले के videos में हमने अभी तक के सारे topics cover कर लिए हैं. Now we are going to study about composition on the basis of languages. Okay. Because we all know population को language के basis पे भी divide किया जा सकता है. Okay. और इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है. सो अकॉर्डिंग टू ग्रिर्सन दैट वाज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दैट वाज हेल्ड बिटवीन 1903 टू 1928 देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स इन द कंट्री. सो यू कैन सी कितना बड़ा है ये नंबर 179 लैंग्वेजेस और अभी हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 ओनली राइट. सो In during census 1991 there were 18 scheduled languages and now it is 22. Okay, and according to the census scheduled languages mein Hindi jo language hai, Hindi is also one of the scheduled languages or official language bhi hai, right? And one more thing I would like to tell you over here. If anyone asks you ki national language kaun si hai India ki, so it is none. Okay, Hindi is not the national language, it is official language. India ki koi bhi national language nahi hai. Okay, so among the scheduled languages, speakers of Hindi are as many as 40.42%. Okay, 40.42, that is 40.42% basically. तो इतना ज़्यादा है हिंदी का परसेंटेज. और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप जो है वो है कश्मीरी एंड संस्कृत स्पीकर्स दैट इज़ 0.01%. तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स. हाईएस्ट परसेंटेज कौन से लैंग्वेज के स्पीकर्स का है, इट इज़ हिंदी एंड लोएस्ट इज़ ऑफ कश्मीरी एंड संस्कृत. ओके, एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो ओवर हियर इज़ दैट लिंग्विस्टिक रीजन्स जो हैं उनकी कोई फाइन लाइन से डिमार्केट नहीं की हुई है बाउंड्री. कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा मिक्स सब ओवरलैप होता है. ओके, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते थे कि यहाँ तक इस बाउंड्री तक हिंदी स्पीकर्स हैं एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. देर इज़ नो फाइन लाइन, देर इज़ नो बाउंड्री, इट इज़ ऑल ओवरलैपिंग. ओके, सो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए आप टेबल देख लीजिए, टेबल 1.2. दिस इज़ द टेबल. इसमें एज यू कैन सी देर आर फोर फैमिलीज, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ियन, साइनो टिबेटन एंड इंडो यूरोपियन. ओके, हिंदी कम्स अंडर इंडो यूरोपियन. और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी ही है, दैट इज़ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप ही है. ओके, सब फैमिली इफ़ यू कैन लर्न इट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू कैन नॉट लर्न देन इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं वो कोशिश करेंगे आप इसको भी याद कर सकें. इट इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रो नीजन. ओके, जिसमें भी दो ब्रांच है, दो ग्रुप है, दैट इज़ मॉन्कमेर एंड मुंडा. और फिर स्पीच एरियाज़ भी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. डू इट थरली, आप तीन चार बार इसे बना के देखें. इफ़ यू कैन ड्रॉ इट, इफ़ यू कैन मार्क ऑल द कॉलम्स, दैन इट इज़ वेरी वेरी गुड. ओके, एंड फॉर बोर्ड एग्ज़ाम यू जस्ट नीड टू लर्न फैमिली एंड स्पीच एरियाज, इट इज़ मोर देन इनफ. ओके, सो लेट अस सी वंस. फिर द्रविड़ियन में यू डोंट हैव एनी सब फैमिली, बट देन देर आर ब्रांचेस, साउथ द्रविड़ियन, सेंट्रल द्रविड़ियन एंड नॉर्थ द्रविड़ियन. ओके, एंड देन स्पीच एरियाज, इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स और कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी हैं, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, दैट गोज़ इन ईस्ट इंडिया. मध्य प्रदेश भी है सेंट्रल इंडिया का. सो ये वाला एरिया द्रविड़ियन में कवर होता है.
देन इट इज साइनो टिबेटन, इसमें टिबेटो म्यांमारी एंड साइनीज चाइनीज, तो इसमें फिर ब्रांच ग्रुप भी हैं, दैट इज तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ असम एंड असम म्यांमारी, और ये वाला एरिया थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ जाता है. ओके, देन इंडो यूरोपियन, इसमें सब फैमिली इंडो आर्यन, ब्रांच है ईरानियन, डार्डिक एंड इंडो आर्यन. इसके अलावा जो स्पीच एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब बहुत सारे हैं, नॉर्थ इंडिया में थोड़े ज़्यादा है, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हैं, थोड़ा साउथ में ज़्यादा नहीं जाता है, बट नॉर्थ में दिस इज़ क्वाइट कॉमन, राइट. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम वाले इसको कर सकते हैं देन यू कैन डू इट, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू डू फैमिली एंड स्पीच एरियाज देन इट इज़ मोर देन इनफ. नाउ लेट अस सी रिलीजियस कंपोजिशन. रिलीजियस कंपोजिशन में हम कुछ कुछ रिलीजन के बारे में डायरेक्टली पढ़ेंगे. ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ऑल्सो देयर. सो लेट अस सी, इट इज basically the first group is Hindus. Hindus are distributed as major group in many states. 70-90% are there, जो कि हिंदूज़ हैं हमारे कंट्री में. It is the majority in our country. उसके बाद Muslims हैं, they are the largest religious minority in the country. देन क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज़ देयर, जो कि पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, इट इज़ नॉट लाइक ये वाला एरिया पूरी तरह से क्रिश्चियन का ही है, ऐसा नहीं है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है. उसके अलावा पॉकेट्स में थोड़ा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, देन सिख आर मोस्टली found in the areas of Punjab, Haryana, Delhi. Next is Jains and Buddhism. So ये smallest religious groups है इंडिया के, और ये selected areas में ही they are found. Okay, if you will see, you will find that Jains जो हैं वो West India में थोड़े ज़्यादा हैं, और Buddhists जो हैं वो मोस्टली देयर इन महाराष्ट्र, और बाकी ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और नदर्न स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर दे आर फाउंड. ओके, उसके अलावा इंडिया में ज़ोरोआस्ट्रियंस भी हैं. ओके, और कुछ और ग्रुप्स भी हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, एंड दे हैव गॉट देयर डिफरेंट रिलीजन, सो वी कैन नॉट से अबाउट देम. So if any question comes of religious composition, then you need to write the names of the groups only. Okay, so it will complete your answer. Next is composition of working population. Working population is the population that is engaged in some or the other economic activity. Okay, ये working population की definition है. और अब इसमें तीन टाइप के वर्कर्स होते हैं. देर आर मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स. तो जो मेन वर्कर्स होते हैं दे आर द पीपल हु वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर. मार्जिनल वर्कर्स आर द पर्सन्स हु वर्क फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर. And non-workers are the people who are not engaged in any economic activity. If the question comes to divide the population of India according to economic status, then you need to divide it in three groups: main workers, marginal workers, and non-workers. Okay. ये question इसी तरह से आएगा. Economic status के basis पे divide करो India की population को, और working population
के नाम से तो बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली। ओके, अगर आता है तो ये आपकी किस्मत अच्छी है, अदरवाइज नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेन मार्जिनल वर्कर्स का डिवीजन। ओके वेल, जो न्यू एडिशन है उसमें ये डिवीजन थोड़ा अलग है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा अलग है। ओके सो वी कैन जस्ट सी इट। मेन वर्कर्स जो है उसमें है 39% अकॉर्डिंग टू 2001, और अकॉर्डिंग टू 2011 इट इज़ 39.8%। ओके ये है मेन वर्कर्स या फिर मार्जिनल वर्कर्स दोनों को मिला करके। ओके इसमें नॉन वर्कर्स नहीं है, एंड 60% अराउंड 61% और 60% आर नॉन वर्कर्स। ओके सो यू कैन सी दैट हमारी कंट्री के मेजर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो नॉन वर्कर्स है, दे आर नॉट एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये अपनी इच्छा से हो सकता है या फिर ड्यू टू एक्जिस्टिंग रीजन्स कुछ भी हो सकता है। ओके वी डोंट नो, बट अल्टीमेटली दे आर नॉन वर्कर्स, दे आर नॉट एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके सो दिस डेटा पर्टिकुलरली इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ओके अब नॉन वर्कर्स में वी ऑल्सो काउंट द हाउस वाइफ्स, ओके हु वर्क बट दे आर नॉट पेड फॉर इट। सो नॉन वर्कर्स में उनकी भी काउंटिंग होती है। सो पर्टिकुलरली दिस इज़ एन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, वो इसलिए होता है क्योंकि हाउस वाइफ की सर्विसेज इनवैल्यूएबल होती है, उसकी वैल्यू मनी के फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। ओके इसलिए दे आर included in non-workers, otherwise they are working, so like this it is. So we are dividing the population on this basis, then the proportion of working population is very high in Mizoram, that is 53%, and in Goa it is mere 25%. So you can see the variations. ओके नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज, देर आर 4 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। दे आर कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। और इनका जो ये कितना परसेंटेज है और कितना है दैट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 11। और सो इट इज़ कल्टिवेटर्स का परसेंटेज है 54.6, देन हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है 3.8, ठीक है, और जो अदर वर्कर्स है दैट इज़ 41.6। ओके सो दिस इज़ अगेन सम डेटा एंड ऑल, बट दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, not at all. I mean, I would like to say अगर question आएगा तो वो main workers, marginal workers और non workers पर ही आएगा, इस पर तो आज तक अभी आया नहीं है but आ सकता है। so you can just remember the names, occupational categories है according to 2001 census. okay next is the last topic, that is spatial variation of work participation rate. स्पेशल वेरिएशन में आप फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखेंगे दैट वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत अलग अलग है हर एक स्टेट में, लाइक इट इज़ 25% इन गोवा एंड इट इज़ अराउंड 53% इन मिजोरम। ओके नेक्स्ट यू विल राइट दैट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड कल्टिवेटर्स जो हैं उनका शेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देन यू विल राइट कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स का प्रपोर्शन जो है वो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत ज़्यादा है।
ओके, उसके अलावा अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी हैव वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अदर सर्विसेज, मतलब अदर वर्कर्स बहुत ज़्यादा है. ओके, एंड दिस इंडिकेट्स दैट देर इज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मिंग लैंड एंड लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिक्वायर्स मोर वर्कर्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स. ओके, सो दिस विल बी द कम्प्लीट आंसर फॉर स्पेशल वेरिएशन. ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा, तो मतलब वैसे तो मुश्किल है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में इट इज़ वेरी कॉमन. ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द चैप्टर प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.